राधे राधे। सभी को कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है हरियाली तीज, पूजा उजा होगी है। और अभी टाइम हुआ है, आपको उल्टा दिखेगा, टाइम हुआ है अभी 7:45 के समथिंग हो रहे हैं, 8:50 हो रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और खाने की तैयारी होगी है, ऑलमोस्ट बस पूरियाँ तलनी है और थोड़ा सा काम है वो करके बस तीजो पूछ देती हूँ। और फिर अभी के जाने की तैयारी भी हो रही है, अभी नहा रहा है, अभी भी जाएगा। तो पहले फटाफट काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी मंदिर के दर्शन कर लीजिए प्रभु के। देखो ये ड्रेस वही है जो कल दिखाई थी मैंने आपको, ये बनाई है, ये कान्हा जी के लाई हूँ। कितने प्यारे लग रहे हैं ना माता और प्रभु दोनों। देखो मैं पूरा व्यू दिखा रही हूँ आपको, मैंने जो जो कपड़े बनाए हैं वही वही सब आज मंदिर में लगे हुए हैं। अब मंदिर की सफाई मैंने जल्दी उठ के कर दी थी, क्योंकि ना त्यौहार के दिन ज़्यादा काम होता है, फिर अभय को भी जाना है, तो मैंने आज थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया है। और ये पर्दे बनाए हैं जो आपने देखे अभी शुरू में, वो कल भी देखे होंगे आपने। और ये अब मैं खाना बना रही हूँ फटाफट, क्योंकि 8 बज चुके हैं और 8 बज मतलब 8:30 बजे अभय को जाना है, 8:30 या 9:15 निकलेगा। तो देखते हैं कब तक काम निमट जाएगा। वैसे सब कुछ मेरा काम हो गया है, खीर बन गई है, आटा लगा के रख रखा है, और छोंक तैयार हो रहा है, पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए ऐसे ही मैंने प्याज तो डाली नहीं है, टमाटर डाले हैं, छो मतलब तेल जीरा टमाटर वगैरह डाल के, मसाले डाल के, और बारीक बारीक काट के पनीर डाल सकते हैं आप। जैसे मैंने काट के रख रखा है, देखो बारीक बारीक पनीर, और उधर तड़का लग रहा है, और साथ साथ में पूरियाँ भी तल रही हूँ। तीनों गैस चला रखी हैं ताकि मतलब दोनों, ताकि जल्दी काम हो जाए। खीर बन गई है, और ज़्यादा सब्ज़ी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि अब अभी चला जाएगा, फिर ज़्यादा लगती नहीं है सब्ज़ी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सब्ज़ी कुछ बनाई नहीं है, बस पनीर की भुर्जी बनाई है। बच्चे खा लेंगे और अब लेके भी चला जाएगा। थोड़ी सूखी सब्ज़ी बनती है इसकी, इसमें पानी डालते नहीं है, बस ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। और पूरी बनने के बाद अब मैं पूज रही हूँ तीजो। हमारे यहाँ ना खीर और पूरी से ही पूजती हैं तीज, तो ये मैंने यहाँ पर ला कर रख लिया। 2 अठावड़ी पूजती हैं, 8-8 पूरी 2 जगह, 2 कटोरी खीर और गाय की। और मैंने ये अग्नि को जिमाने के लिए यहाँ साइड में कपूर जला लिया है, अंगारी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कपूर जला लिया, इसी में मैं अग्नि को जिमा दूंगी। क्योंकि अग्नि को जिमाते हैं, वैसे तो हम घर पे गैस को जिमा देते हैं, लेकिन जब पूजा होती है तो इस तरह साथ में अग्नियारी करनी होती है, तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। और मैं ये करके दोनों मैं तो गाय को ही दे आऊँगी, वैसे एक जोगियों के जाती है, लेकिन अब पता नहीं यहाँ पर कौन होगा, तो इसलिए मैं गाय के ही दे दूँगी। और फिर इस समय मेरे पास समय भी नहीं है कि कहीं मैं पता करके जाऊँ कि भाई उनके दे के आऊँ। उधर जहाँ पहले रहते थे वहाँ पर तो थे एक नेबर, लेकिन अब तो मैं गाय को ही दे आऊँगी दोनों। और अब नहा धो के हो गया है तैयार, देखो तैयार बैठा है, पायल कर रही है उसको टीका, और राखी बांध देगी पायल आज ही। ये तीज वाले दिन की है, क्योंकि अब चला जाएगा फिर आएगा नहीं, तो पायल ना उस दिन नहीं बांधी थी जब बुआ ने बांधी थी, तो पायल आज बांध रही है अभय को राखी। और पायल भी नहा ली है, और अभय का ना आज जाने का मन नहीं था, बच्चा है, अब की बार बुआ भी आई हुई थी तो ज़्यादा मन लग गया इधर, तो थोड़ा उदास भी है, और है तो बच्चा ही, अलग रहता है परिवार से। मेरे साथ तो यहाँ फिर भी पायल रहती है, लेकिन वो तो बिल्कुल अकेला ही हो जाता है वहाँ पर कोई बात नहीं भाई, पढ़ना है तो। अब मैं कह रही थी मैं थोड़ा सा तो मुस्कुरा दे, तो हल्का सा मुस्कुराया, और पायल जिद कर रही थी कि दोनों खा ले। देखो खाए नहीं, देख सकते हैं आप माथे में कितनी सलवट डाल रखी है, बस बच्चों का ऐसा ही होता है। मैंने लगा दिया अभी के लिए खाना, उन्होंने राखी बांध दी थी, उसके बाद ये पूरी खीर और सब्जी है, और पायल ने चाय भी बना दी है अभी के लिए भी, वो चाय भी पिएगा, तो चाय भी बना दी है और खाना भी रखा है। वह खाना पीना हो गया है सब, अब मुझे भी जो पैक वैक करना था सब रख दिया। ये खाने के साथ में टिश्यू रख रही थी, नैपकिन, कि रास्ते में हाथ चिकने हो जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, और रास्ते के लिए खाना दिया है। वैसे तो शाम को तो वहीं जाके खाएगा, पहुंच जाएगा रात तक। अब बस अब इसको मैं बिठा के आऊँगी बस में, वैसे तो खुद भी चला जाता है, लेकिन माँ हूँ ना, मन नहीं मानता, तो इसलिए इसके साथ जाऊँगी वहाँ तक। और पैसे भी लेने से मना कर रहा था कि रहने दो, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसे मत जाओ, क्योंकि आजकल बच्चों के पास कार्ड होते हैं तो कैश की ज़रूरत होती नहीं है बच्चों को, तो फिर भी मगर थोड़ा बहुत ऐसा अच्छा नहीं लगता, खाली जाते हैं बच्चे, तो मैं चलो थोड़े बहुत पैसे उसको दे के बस अब चल रहे हैं, मैं बिठा के आती हूँ उसको।
और बस मन बहुत ज़्यादा भारी है इस समय जब मैं इसको बिठाने के लिए जा रही हूँ। पर भाई कामयाब होना है तो देखो परिवार से तो दूर थोड़ा होना ही पड़ेगा। प्रभु इसको हमेशा खुश रखे, तरक्की दे। और अभी मैं हवाई चप्पल पहन के ही निकल गई थी लेकिन फिर बाहर मुझे मिल गई दूसरी चप्पल। अब मैं इसको जा रही हूँ छोड़ने के लिए। और कितनी तेज़ तेज़ चलता है ये, देखो मेरे से आगे आगे भागा जा रहा है। मैं जा रही हूँ इसके पीछे पीछे इसको बिठाने के लिए। तो चलिए बिठा के आती हूँ। 9:30 बज रहे हैं और आ गई हूँ मैं अबे को बिठा के। 8:45 बजे गई थी और 9:15 बजे वापस भी आ गई हूँ। और मन ना अभी दुखी है, बात करने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बिठा के आने के बाद मन थोड़ा ठीक हो गया था। तो उसके बाद देखो काम तो करना ही है। तो ये माता के कपड़े जो मैंने कल मंदिर साफ मतलब सुबह मंदिर साफ़ किया, तो ये पूजा के कपड़े हैं सारे, इन्हें मैं आराम से धो दे रही हूँ हाथ से। और जो एक दो जोड़ी वैसे कपड़े थे तो मैं चलो इनको धो देती हूँ। बाकी काम तो जो होगा, कुछ ज़्यादा काम तो था नहीं वैसे। खाने पीने का तो सुबह ही निमट गया था जब अबे के जाने से पहले। कपड़े मैंने सारे धो दिए हैं, अब ऊपर इनको सुखाने के लिए डाल आती हूँ। और फिर अब तो फिर देखते हैं, दिन में थोड़ा आराम ही करेंगे। आज बारिश ने भी बहुत ज़्यादा हद कर रखी है। अब शाम के समय 6 बजे मैहर पायल आ गए हैं छत पे, क्योंकि कोई भी नहीं आया था झूलने के लिए। तो मैंने सोचा मैहर पायल ही चलते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत तो नेक करते ही हैं। और झूला काफ़ी गिल्ला हो रहा था, कपड़े भी गिल्ले हो गए झूले पर। वैसे तो हमने बहुत साफ़ किया लेकिन थोड़ा बहुत पानी पता नहीं किधर किधर छुप रहा था, तो कपड़ों पर थोड़ा सा लग गया। और मैहर पायल अपने बातें कर रहे हैं और झूल रहे हैं। मैं ऐसे ही पायल से मजाक कर रही थी और कुछ देर झूले, फिर दोनों माँ बेटी टहल रहे हैं छत पे। तो अभी बस घूमते फिरते बातें चल रही हैं हम दोनों में कि कभी कोई आया नहीं है झूला झूलने के लिए। वैसे मैंने बच्चों से इनसे सबसे कह दिया था कि आ जाना, लेकिन शायद थोड़ा लेट आएंगे। तो जब तक मगर चलो हम थोड़ी देर। और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एकदम बढ़िया। आज बारिश कई बार हुई। अब देखो ये सामने वाली हैं, वो आ गई थी कि चलो भाई झूलते हैं। तो मैं नीचे चली गई थी, फिर मैं आ गई वापस इनके साथ। अब इनका बेटा है और ये हैं, तो इसलिए अब हम बैठ के बातें कर रहे हैं। इनका बेटा वीडियो बना रहा था और फिर नीचे से आवाज़ आई कि पायल के पापा आ गए। मेरे लिए तो सरप्राइज ही हो गया है। आई एम सो हैप्पी, तीज के दिन ये आ गए हैं घर पे। आएंगी अब। जो पहले आई थी वो तो चले गई थी क्योंकि उन्हें खाना बनाना था कि खाने के लिए लेट हो रहा है। अब ये मेरे दूसरे नेबर हैं, वो आए हैं। और अब धीरे धीरे करके फिर सभी आ गए थे और टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। ये सब आपको हाय भी बोल रहे हैं। और मैं सबको कह रही हूँ कि भाई जल्दी जल्दी बुला के लाओ क्योंकि फिर ना सबके ही खाने का टाइम हो जाना था। तो इसलिए मगर चलो बुला के ले आओ, देखते हैं सब झूल लेंगे तसल्ली से। और अगर टाइम अच्छे से होता है तो आदमी ज़्यादा इंजॉय कर पाता है। और फिर जल्दी जल्दी में तो ऐसा रहता है कि भाई जल्दी जल्दी झूल लो और बाकी फिर तो खाना पीना बनाना है। लेकिन सब ने थोड़ा टाइम दिया हमने, 8:30 बजे तक अच्छे से फिर सब ने इंजॉय किया। और आगे वीडियो में देख सकते हैं आप सबको, और बच्चों ने तो फुल एंजॉय किया। राजा जाइए, लेना इस वाला को पकड़वा दियो।
मैं अभी आ रही हूँ, एक बार देख लूंगी। जाओ और पहले ना बच्चों की संतुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ना फिर मैं भी ऐसा है, जिसको बिठा लो वो खुश, जिसको ना बिठाओ वो फिर परेशान हो जाता है। तो पहले ना सारे बच्चों को बिठा के सबको खुश कर रहे हैं, कि पहले बच्चों बच्चों को खुश कर देते हैं। और आप सब जानते हैं, बच्चे खुश हैं तो सब खुश हैं। तो माएँ भी तभी खुश रह सकते हैं जब बच्चे खुश होते हैं। तो इसलिए सब पहले सब बच्चों को ही एडजस्ट करना है, कि भाई सब बच्चे झूल लो पहले तसल्ली से, उसके बाद सब हम झूलेंगे। और सबकी अपनी बातें चल रही हैं, कचर पचर बच्चों में समझ तो कमी आ रहा होगा आपको, लेकिन भाई जैसा भी है आप सब ऐसा ही देखिए, क्योंकि जैसा हुआ है वैसा ही मैंने अपलोड कर दिया। ज़्यादा काट झाट नहीं किया, क्योंकि ये जब सब मिलते हैं ना, तो सबकी भावनाएँ, सबका अपना अपना अंदर कैसी खुशी हो रही है, कैसे भाव हैं, तो सब अपनी बातें करते हैं। तो मैंने किसी की भी कोई भी बात काटी नहीं है, जैसा एक्चुअल में हो रहा था वही सब आपको दिखा दिया है। तो देखते रहिए आप, और पूरी वीडियो ज़रूर देखना कि हमने तीज पे कैसे इन्जॉय किया है। भाई ज़्यादा तो कुछ किया नहीं, सोचा तो ये था कि झूला सजाऊंगी, ये करूंगी, लेकिन बारिश ने आज इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। दिन भर में 3 या 4 बार बारिश आई है, तो झूला सजाने का टाइम नहीं मिला। वरना ये सोचा था कि कुछ पौधे ऊपर रखूँगी नीचे से ले जाकर, और झूला अच्छे से डेकोरेट करूँगी, लेकिन बारिश ने सब काम बिगाड़ दिया। नेक्स्ट ईयर देखते हैं, नेक्स्ट ईयर थोड़ा अच्छे से करेंगे, अभी तो जैसा है बस वैसा ही देख। तीज इतनी लेट आ रहे हैं सब, लेट हो गई। बस बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें भी, आओ चलो घूम लो। गीत गाओ, गीत गीत गा लो भाई, एक अद्धा ऐसे ना करो। अरे ये छोटे बच्चे तेज लेना चाहे झूठे। Yeah.
ये फोन की आवाज है ना, तो कैसे कर रहे हैं किसी फोनों की तो चुनी है हैं तो इसकी कर जल्दी ये प्राची अपना दो मिनट बीच में लो आ जाओ आ जाओ यहीं रख लो रखो आओ चलो अनमोल बाय 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 चले ना इधर से चले अपने घर में बाय आप बुला लो और सबको विदा करने के बाद अब मैं बना रही हूँ खाना क्योंकि वे आए हुए हैं तो मैं ज़्यादा देर उनके पास बैठ भी नहीं पाई क्योंकि सब आए हुए थे तो मैं ऊपर उनके साथ ही थी। अब मैं बस खाना बना के अब हम सब खाना खा लेंगे आराम से और खीर है और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और रोटियाँ सेक रही हूँ। पूरियों के लिए उन्होंने मना कर दिया और वैसे भी सुबह बना था पक्का खाना, एक ही हमारे यहाँ सुबह को बनता है, किसी के यहाँ शाम को बनता है, तो मैंने बस रोटियां सेक के रख ली हैं, सब साथ ही बैठ के खाएंगे। ले लीजिए जी खीर, आलू गोभी की सब्ज़ी, सलाद, सबकी थाली लग गई है, आप भी आ जाइए खा लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते और बाय।